आज मैं आपको दिखाऊंगी कि बिना मेकअप की भी यू कैन लुक सो प्रिटी एंड ब्यूटीफुल एंड हेल्दी एंड देर आर फ्यू थिंग्स दैट आई लाइक टू डू टू अचीव दिस लुक एंड आई एम गोना शो यू हाउ आई डिड इट If I want to look good and fresh without wearing any makeup, I tend to preferably wear lighter color clothes क्योंकि वो लाइट को ज्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं as compared to डार्कर कलर क्लोथ्स और आप लोग जैसे कि डिफरेंस देख सकते हो When I'm wearing a black color का टॉप मेरे लिप्स के आसपास का पिगमेंटेशन अलराइट डार्क सर्कल्स ज्यादा निखर के उभर के आ रहा है वेर इन पिंक कलर के टॉप में माई फेस appears ब्राइटर आई नो बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है बट डिफरेंस तो है न क्यूकी मुझे पीसीओ डी है आई टेंट टू गेट डीप डार्कर हेयर स्पेशली जॉ के आसपास और ये वही एरिया है जहां पे नेचुरल कॉन्टोर दिखता है सो इफ आई शेव दिस एरिया प्रॉपरली माई स्किन विल अपियर मोर डार्कर एंड डल एंड दैट्स वाई लाइक टू शेव माई फेस अगर आपको पीच फर्ज है आपके फेस में यू डोंट गेट डार्कर डीपर हेयर आपको शेविंग करने की वैसे भी जरूरत नहीं है दिस इज अ चॉइस दैट यू कैन डू एंड आई ऑलवेज लाइक टू शेव माई फेस इन दी नाइट जैसे कि ये शेविंग रूटीन मैंने एक रात पहले किया था शेविंग से स्किन एक्सफोलियड भी हो जाती है स्किन अपियर ब्राइटर क्लियर एंड प्रोडक्ट सिट्स वेल ऑन योर स्किन एज वेल नेक्स्ट स्टेप आई एल बीमिंग माई आईब्रोज अगेन मैंने एक रात पहले ग्रूम किया था अपने आईब्रोज को सो so, आईब्रोज काफी लोगों का प्रोमिनेंट फीचर होता है आईब्रोज ऑन योर फेस भी दिख जाता है सो आई लाइक टू ग्रूम माई आईब्रोज और यहाँ पे मैंने सिर्फ एक्स्ट्रा निकाले जो यूनिब्रो था उसे निकाला आईब्रो के आसपास के एक्स्ट्रा बाल मैंने निकाल दिए इंस्टेंटली आई कैन सी द डिस्ट ऑन माई फेस माई फेस लुक्स ग्रूम्ड नेक्स्ट स्टेप इज अबियस स्टेप दट इज क्लिंजिंग द फेस जो भी डर्ड कंग गंदगी है फेस से उसे रिमूव करने के लिए क्लेंजिंग इज ए इंपॉर्टेंट स्टेप और इंस्टेंटली फेस पे डिफरेंस समझ में जाता है सो so, अगर आपको भी सुबह सुबह उठते से ही फेस पे आंखों के आसपास स्वेलिंग रहती है, रहता है फेस आइस रोलर या फिर आप एक कॉटन के कपड़े पे आइस क्यूब डाल के फेस पे अप्लाई कर सकते हो ट्रस्ट मी दिस वर्क लाइक आई लव टू दिस एवरी सिंगल इट रिड्यूस इन्फ्लेमेशन अवेकेंस द फेस एंड टाइटन द स्किन लिप्स के डेड स्किन सेल्स को रिमूव करने के लिए मैं करूंगी स्क्रबिंग उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ स्लाइटली रफ साइड ऑफ माई फेस स्टाइल ये रूटीन आपको ना मॉइस्ड और वेट लिप्स पे करना है सो नहाने के बाद आप कर सकते हो मैंने अभी अपने फेस पे आइस मसाज किया था तो लिप्स के आसपास भी किया था तो लिप्स मेरे मॉइस्ट है सो काफी आसानी से डेड स्किन सेल्स रिमूव हो जा रहे मेकअप पहन रहे हो नहीं पहन रहे हो यू डोंट वॉन्ट ऑन स्क्रबिंग योर लिप्स और स्क्रब करने के बाद हल्का सा लिप बाम लगा दिया इतना की हाइड्रेट रहे मेरे लिप्स ओके मूविंग ऑन टू अंडर आई क्रीम एंड सिरम मैं कंसलर तो यूज नहीं कर रही हूँ बट आई डू वॉन्ट टू टेक केयर ऑफ माई अंडर आई आई वॉन्ट टू की साथ मुझे कुछ स्किन केयर बेनिफिट भी चाहिए इन्वेस्ट ऑन अंडर आई प्रोडक्ट्स एंड क्रीम्स जिसमें ये सारे इन्ग्रीडियंट है स्पेसिफिकली आई लाइक कैफिन हाइलोनिक एसिड एंड वाइटमिन सी वाले अंडर आई क्रीम अभी मैंने जो यूज किया है वो वाइटमिन सी वाला है इट्स को हाइड्रेट माई अंडर आई एंड ऑल्सो माई अंडर आई इसको अपियर ब्राइटर नेक्स्ट एप इज एक्चुअली कम्प्लीटिंग द स्किन केयर रूटीन यहाँ पे मैं स्किन ट्रीटमेंट सीरम पहले यूज कर रही हूँ सी रेटिनॉल में कोई यूज करना पसंद करती बट इसके बाद का जो स्टेप है दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप दैट इज यूजिंग अ गुड मॉइस्चराइजर सो मॉइस्चराइजर में पेप्टाइड एसिड या वाले मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हो दे इंस्टेंटली प्रोवाइड इफेक्ट टू योर स्किन आपकी स्किन काफी सॉफ्ट और हेल्दी दिखती है साथ साथ आपकी स्किन मॉइस्चराइज भी रहती है नेक्स्ट स्टेप इज अप्लाइंग सनस्क्रीन मैंने इसे अलग से पॉइंटर पे इसलिए रखा है क्योंकि अगर आप एक टीनेजर हो हु डोंट लाइक टू डू टू मेनी स्टेप्स इन योर स्किन केयर रूटीन देन दि इज वन स्टेप दैट यू नीड टू डू दैट इज अपलाइंग सनस्क्रीन ये आपकी स्किन को धूप में सन की वजह से और डीपर डार्कर होने से प्रोटेक्ट करेगा और यहाँ होता है मेरा स्किन केयर कम्प्लीट और आप लोग देख सकते हो स्किन केयर करने से ही मेरा स्किन एकदम फ्रेश और हेल्दी लग रहा है नेक्स्ट ब्लोरिंग मेंज जस्ट एन ऑप्शनल स्टेप बट अगर आप चाहते हो आपका फेस और ब्राइटर लगे एकदम नो मेकअप मेकअप टाइप का लगे देन यू कैन डू दिस स्टेप सो उसके मैं बनाऊंगी डी आई वाई बीबी क्रीम मैंने थोड़ा सा मॉइस्चराइजर में एक मैटिफाइंग फेस फाउंडेशन लिया एंड मिक्स दम टूगेदर एंड थोड़ा थोड़ा करके अप्लाई करके मैं ब्लेंड करूंगी उसे आप लोग देख सकते हो एक् मार्क्स ब्लर होना शुरू हो गया है एंड आइव ओनली डन दिस स्टेप ऑन माई चीक्स अवॉइडिंग पिगमेंटेड एरिया ऑफ माई फेस दैट इज लिप्स के आसपास का पिगमेंटेशन माई अंडर आई एरिया माई आईलेट्स एंड माई डारकर फोर है डी आई बीबी क्रीम इसलिए भी मैं बना रही हूँ खुद का क्यूँकी ना इंडिया में खुद के स्किन टोन का बीबी -बी क्रीम ढूंढना काफी मुश्किल है ऐसे बीबी -बी क्रीम आजकल मिलते हैं जो आपकी स्किन को व्हाइट ही करते हैं आई डोंट लाइक दैट आई एम फिलिंग sparse area एरिया ऑफ माई आईब्रोज मैं आईब्रोज को इसलिए भी फिल कर रही हूँ ताकि मैं उसे प्रोमिनेंटली अपने फेस पे दिखा सकूँ वो हाईलाइट होके दिखे मेरे फेस पे आईब्रोज को फिल करने के बाद आई एम set सेट माई आईब्रोज इन प्लेस यूजिंग आईब्रो मस्कारा अगर आपकी बुशी आईब्रोज है तो आपको ये करने की जरूरत नहीं अगर आपकी बहुत ही थिन आईब्रोज है देन यू कैन डू दिस इट विल डेफिनेटली मेक अ डिफरेंस यू हैव टू पिक features फीचर्स ऑफ योर फेस you यू वॉन्ट टू हाईलाइट एंड फॉर मी इट to बी आईब्रोज एंड लिप्स टूडे अगर आपने अभी तक टेंस पे इन्वेस्ट नहीं किया फॉर एवरी लुक्स एंड नो मेकअप मेकअप लुक्स दिस इज योर साइन टू डू दैट मैं यूज कर रही हूँ एट्यूड हाउस का चेरी टेंट लोअर लिप्स पे अच्छे से अप्लाई किया एज ए लिपस्टिक मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ पहले उसके बाद अपर लिप्स पे अप्लाई करने के बाद आई विल स्लाइटली ओवरलाइन माई लिप्स यूजिंग दिस टेंट एंडन आई विल स्म विद्प ऑफ माई फिंगर्स क्योंकि बहुत ही नेचुरल लुक है आई डोंट वॉन्ट की प्रोमिनेट लाइन दिखे टेंट का इसलिए मैंने अच्छे से स्मच कर दिया टेंट को एकदम फेड कर दिया लिप्स के आसपास फिर उस टेंट को मैंने अपनी चीक बोन्स पे अप्ला किया गोइंग टू ब्लेंडेड पेटेड इंटू माई स्किन विद हेल्प ऑफ माई फिंग

फ्लाईवे समटाइम्स आई ऑल्सो लाइक टू कर्ल फ्रंट सेक्शन एक दो पीसेस क्योंकि मेरा नेचुरल हेयर टेक्स्चर वे भी है तो सामने जब मैं कर्ल्स एड कर देती हूँ तो ऐसा लगता है काफी फट डाला है बट बिल्कुल नहीं नेक्स्ट स्टेप आईल भी हाइडिंग माई विजिबल हेयर लाइन टू मेक माई हेयर लुक मोर फुलर एंड हेल्थियर तो मैंने एक मैट ब्लैक आई शाइडो में थोड़ा सा ब्राउन मिक्स किया एंड आई एम गोइंग टू अप्लाई दैट ऑन माई हेयरलाइन जहां जहां भी मुझे लग रहा है थोड़ा थोड़ा डैप डैप करके मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ ये स्टेप ना ना सिर्फ मैं काफी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी करते हैं अब तो प्रोडक्ट्स भी आने लगे हैं टू हाइड दी हेयरलाइन मुझे पीसी हो रही है तो हेयर लॉस भी हुआ है और कहीं कहीं बाल थीन हो गए तो हेयरलाइन दिखती है तो वहीं वही अप्लाई कर रही हूँ मैं बस थोड़ा थोड़ा लास्टली एड छोटे गोल्डन ईर रिंग्सो नो मेक मी लुक मोर पुट टूगेदर ऐसा लगी

आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना मैं आपसे फिर मिलूंगी बाय